वेलकम बैक। और इस सेगमेंट में हम बात करते हैं आईटी के हवाले से, तो एक नज़र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर। टेक्नोलॉजी की बात करेंगे और टेक्नोलॉजी में क्या कुछ डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में, क्या कुछ हो चुका है। डेली बेसिस पर वी हैव टू डू आईटी सेक्टर और हमारी कोशिश ही होती है कि जो टॉपिक एलोकेट किया जाए वो ऐसा हो जिसमें आपको इंटरेस्ट पैदा हो, साथ में आप देखें कि पाकिस्तान और ग्लोबल मार्केट में कितना काम हो रहा है। और वो टॉपिक ये है जी, आज जो हमने जिस पर बात करनी है वो करनी है इम्पैक्ट ऑफ आईटी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में, आईटी की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में और कितना काम इस पर हो रहा है। इस पर बात करने के लिए जो आज हमें ज्वाइन किया है वो जमाल शाह खटक साहब ने ज्वाइन किया है एंड ही इज़ सीईओ ऑफ वाईफिनिटी पाकिस्तान से ये एसोसिएट करते हैं। जमाल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू। कैसा चल रहा है जिंदगी का सफर आपका, पहले तो ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। अब हम बात करेंगे प्रोफेशनल सफर की, आईटी के सफर की। जब हम जर्नी की बात करेंगे तो हम पाकिस्तान में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वो किस तरीके से है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं पर फिर उसमें हम कुछ एडवांसमेंट और इन्हेंसमेंट की बात करेंगे। बिल्कुल, आईटी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत ग्रोथ कर रही है। अगर हम अपनी फील्ड की बात करें, वाईफिनिटी की बात करें, जो हम कर रहे हैं वो हमने बेसिकली शुरू ही पहले वाईफिनिटी को डिस्क्राइब कर दें। बिल्कुल, ताकि एक ज़रा सा क्लियर हो जाए कि वाईफिनिटी एक मीडिया टेक वेंचर है जी। ये एक ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन कंटेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसको जिसपे कंटेंट मतलब बुक्स वीडियोस वगैरह आप बगैर इंटरनेट के एक्सेस कर सकते हैं। हाउ कम? अब ये हमने अपने बोर्ड्स बनाए हुए हैं और हार्डवेयर है हमारे पास, प्रोग्रामर्स हैं, हमने प्रोग्राम किया हुआ है इन सबको। तो उसमें जितनी भी कॉन्टेंट्स हैं, वीडियोज़ वगैरह हैं, बुक्स हैं from around the world, जितनी भी thesis और search, if we don't mind we have to compare torrent, उससे मैं compare कर सकता हूँ? नहीं, different है, बिल्कुल। हमारा हर content licensed है, copyrights लेते हैं हम हर content की। अच्छी बात है, इसलिए मैंने बोला if you don't mind, लोग नाराज हो जाते हैं अक्सर। नहीं नहीं, हमारा हर content copyrighted है। शुरू हमने इसको किया था travel entertainment के लिए, जो pain है long distance जर्नीज का। अच्छा। उसको बीट करने के लिए हमने शुरू किया था, ठीक है। तो हम टैबलेट्स पहले तो हम बाय हैंड देते थे बसेस में पैसेंजर्स को, ओके, जितना भी उनका रूट होता था बसेस पे, जैसे मोटरवेज और हाईवेज हो गए, बिल्कुल इसी तरह से उनको हम देते थे बाय हैंड। फिर उसको हम जब, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता था कंपनी के ट्रांसपोर्टेशन वालों से? बिल्कुल, वो आपको पे करते थे? नहीं, हमें पैसेंजर्स पे करते थे। पैसेंजर पे करता था? अच्छा, बाय डिमांड यू सर्व? हाँ बिल्कुल, वीडियो ऑन डिमांड टाइप। तो आपके जो एम्प्लॉय होते थे वो बस के साथ ट्रैवल करते थे? ऑलराइट, ऑलराइट जी। तो फिर हमने इसको एक्सपेंड किया थोड़ा सा और ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने भी इस तरफ तवज्जो दी जी। तो फिर अब हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं बसेस के सीट्स के पीछे, इंस्टॉल हो जाती है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक स्टैंडर्ड बन रहा है बसेस का, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे ही हम इंस्टॉल कर देते हैं। जितनी भी अब बसेस आ रही हैं पाकिस्तान, अब फॉरेन से भी लोग अप्रोच कर रहे हैं इंस्टॉलेशन के लिए, तो अब एक ये एक स्टैंडर्ड बन जाएगा। ये एक कंपोनेंट पे काम तो हो रहा है, इसके अलावा क्या कर रहे हैं? इसके अलावा हम सेम टेक्नोलॉजी हम यूनिवर्सिटीज़ में लगा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बग़ैर इंटरनेट के, बग़ैर एक्सपेंसिव डेटा पैकेजेस के, वो दुनिया में जितने भी रिसर्च पेपर इश्यूज होते हैं, वीडियो लेक्चर्स, बुक्स, लेकिन देखें इसमें फिर चैलेंजेस ये होंगे जमाल कि वो लिमिटेड होगा। फॉर एग्जांपल दुनिया भर में जो रिसर्च पेपर गुज़िश्ता 2 दिन पहले पब्लिश हुआ वो तो आपके डेटाबेस में अपडेट नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि जितना जल्दी हम उसको अपडेट अच्छा, कर सकें। इस पे काम कर रहे हैं? इस पे हम काम करते हैं, हमारी अपनी टीम है वो सिर्फ यही काम करती है। अच्छा, कितना लिमिटेड जीबी आपके पास होगा? देखिए लिमिटेशन तो होगी ना जमाल, इंटरनेट पे जो चीज अवेलेबल है देयर इज नो लिमिटेशन। बिल्कुल, इतना मटेरियल है जिसमें से कुछ वेस्टेज भी है, कुछ आपके काम का भी है। फॉर योर इंस्टेंस आपके पास क्या है? हमारे पास जितना भी कॉन्टेंट होता है वो सारा हैंड पिक्ड होता है, ठीक है। जिस तरह की अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो हम कंटेंट प्रोवाइड करते जी, हैं जी, जी। वो मूड के हिसाब से और एज के हिसाब से हम देते हैं। बच्चों के लिए हमने कार्टून्स रखे हैं, गेम्स रखे हैं, ठीक है। इस तरह से जो
रिलीजियस लोग हैं उनके लिए हमने इस हिसाब से आप लोगों ने डायनामिक्स और कैटेगरीज को आइडेंटिफाई किया, वेरी ग्रेट। बिल्कुल, तो इस लिहाज से हर बंदे को अपने मूड के हिसाब से और अपने नेचर के हिसाब से एजुकेशन सेक्टर की बात करें, मैंने उस पर सवाल किया था। उस पर एजुकेशन सिस्टम में जो यूनिवर्सिटीज़ है, एजुकेशन सेक्टर है, उसमें भी हम यही टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो बग़ैर इंटरनेट की स्टूडेंट्स को वीडियोस, बुक्स और लेक्चर्स, केस स्टडीज, नोट्स वगैरह उनको बगैर इंटरनेट की मिल जाती। अच्छा जमाल, यहाँ पर आप टारगेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ में जो आईटी और इंटरनेट होता है वो अवेलेबल होता है स्टूडेंट्स के लिए, बिल्कुल उनको प्रॉब्लम नहीं होती। आप लोग वो गैप क्यों नहीं आइडेंटिफाई करते जहाँ पर इंटरनेट की पहुँच नहीं है और जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है इन तमाम तरह? मैं इसी की तरफ आ रहा था। अब फ़र्ज करें एक स्टूडेंट है, वो यूनिवर्सिटी आ गया, वहाँ पे उसको फ्री इंटरनेट मिल रहा है जी, उसने जो कुछ एक्सेस करना था वो एक्सेस कर लेता है, लेकिन जब वो घर चला जाता है तो उसको या तो पे करना पड़ता है इंटरनेट के लिए या उसको अवेलेबल ही नहीं होता। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो हम अब यूनिवर्सिटीज़ में हम एक एप्लीकेशन के तौर पर दे रहे हैं। अच्छा जी, यूनिवर्सिटीज़ में जैसे ही स्टूडेंट यूनिवर्सिटी इंटर होता है, ठीक है, उसके पास सारा कंटेंट आ जाता है, वो चाहे घर चले जाए, कहीं भी चला जाए, वो उसको कहीं भी एक्सेस कर सकता है विदाउट इंटरनेट। मतलब अब उस एप्लीकेशन में डाल सकता है? बिल्कुल। आप ऐसा यू सेड एप्लीकेशन एज अ स्टोरेज, राइट? नहीं नहीं, देन व्हाट? वो एप्लीकेशन जो है वो हमारे सर्वर्स के साथ कनेक्टेड होती है। अच्छा, आप लोगों लेकिन यूजर, हाँ, यूजर को उसके लिए पे नहीं करना पड़ता। अच्छा जी, ठीक है, तो वो बगैर इंटरनेट के उधर भी एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, कितना अर्सा हो गया है वाईफिनिटी को? वाईफिनिटी तकरीबन 6 महीने से काम। अच्छा, 6 महीने में आप लोग की ये ग्रोथ है माशाल्लाह। अभी हम पब्लिक प्लेसेस में इंटरनेट लगाने की तरफ भी जा रहे हैं। अच्छा। फ्री इंटरनेट, ताकि इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा सके। लेकिन जमाल, हमने एक प्रोग्राम कंडक्ट किया था, उसमें कहा था जो फ्री इंटरनेट होते हैं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, उसमें आपका डेटा सिक्योर नहीं होता, तो हाउ सिक्योर आप अगर पब्लिकली वाईफाई प्रोवाइड करेंगे, क्या बेनिफिट आपको होगा मुझे ये बताइए, और पब्लिक को तो डेफिनेटली होगा क्योंकि हमारे काम में एक चीज़ है, जो चीज़ मुफ्त मिल रही हो ना उसके पीछे भागेंगे। अच्छा, उनको ये नहीं पता मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाने वाले आपसे इतने ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, जब वो भी कोई स्ट्रेटजी और एडवर्टाइजमेंट बना रहे होते हैं वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आते हैं, तो वो जो सारी कॉस्ट होती है जो आप एक प्रोडक्ट जो कि प्राइमरी प्रोडक्ट होता है उस पर वो कवर कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सिक्योरिटी की बात करें तो हमारे सर्वर वो इतने सिक्योर हैं कि मतलब अगर हम उसको सिम को भी रिप्लेस कराने की तरफ लेके आए, जो सिम को जी जो टेलकोज है, वॉइस कॉल्स, SMS, इनको भी रिप्लेस कराने आप एक बड़ी मार्केट की बात कर रहे हैं जमाल, आप जिस तो मार्केट को टच कर रहे हैं बड़ी ग्रेप्टन की। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको सिक्योरिटी के हवाले से बता रहा था कि उनको भी इस पे लाया जा सकता है, ये अच्छा। इतना सिक्योर सर्वर है, मतलब आप सिक्योरिटी के लिए भी काम कर रहे हैं। अच्छा, अब आप कुछ सिम का भी मुझे बता रहे थे, वो आपने अधूरी छोड़ दी बात। हाँ, मतलब पाइपलाइन में चीज़ें आप लोग के, वो हम अभी एक उस पर काम कर रहे हैं कि जो मेजर प्लेयर्स हैं, जैसे इंटरनेट के जितने मेजर प्लेयर हैं, गूगल हो गए, फेसबुक, व्हाट्सएप और जितने भी एजुकेशनल साइट्स हैं, विकिपीडिया वगैरह, उनको हम विदाउट इंटरनेट प्रोवाइड करें लोगों को। ठीक है, इसका मतलब आप एक सेकेंडरी डाटा को जो अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करते हुए आप उसको दे रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल फेसबुक और दूसरी साइट्स की तरह ही होगा, लाइव ही होगा, मतलब प्री स्टोर कुछ भी नहीं होगा। समझ में नहीं आ रही बात ना, मतलब लाइव कैसे होगा जब आप इंटरनेट को डिसकनेक्ट कर देंगे तो वो आप लिमिटेड रहेंगे ना उस पर जमा? नहीं नहीं, जैसे शुरू में मैंने आपसे सवाल किया था कि हमारे जो पहले हमारा डाटा कोई पेपर पब्लिश होता है तो वो आपके पास कैसे एक्वायर होगा? हमारा जो सर्वर पे हमारा जो हार्डवेयर है वो इंटरनेट एक्सेस करता है, ठीक है, लेकिन जो यूजर है उसके लिए इंटरनेट। अच्छा, ठीक है, ये आपने क्लियर किया कि आपके बैक पे जो सर्वर और हार्डवेयर हैं वो एग्जिस्ट करता वो है, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है लेकिन यूजर जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ऑलराइट, ओके, आई गॉट इट योर पॉइंट राइट नाउ, कि आप जो एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर दे रहे हैं उसमें तो आप कंज्यूमर उसको ऐसे ही अवेल कर लेगा विदाउट इंटरनेट, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं उसको आपसे, आपके सराउंडिंग से कनेक्ट होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे हार्डवेयर तो लाजमी सी बात है, ऑनलाइन वो कनेक्टिविटी आपसे उसको चाहिए, लेकिन बहुत महदूद नहीं होगा जमाल, ये एक बहुत पर्टिकुलर रीजन, सिटी और एरिया के लिए होगा? नहीं, अभी ये
लिमिटेड तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब क्या है आपका लोकल मार्केट को आपको टच करना है, लोकली आपको जाना है। बिल्कुल, पाकिस्तान में हमारा यही है कि मतलब इंटरनेट पेनिट्रेशन जितनी बढ़ेगी उतनी एजुकेशन भी बढ़ेगी, अवेयरनेस भी बढ़ेगी। कौन से शहरों में आप अभी काम कर रहे हैं? अभी हम पिशावर डिजिटल डिस्ट्रिक्ट पिशावर KPIT बोर्ड के साथ हम काम करने जा रहे हैं, इस पे टेक कैफेज पे हम काम करना चाह रहे हैं पिशावर में। ठीक है, बसेस में तो फंडामेंटली आपने कहा कि आप लोग जो टैबलेट्स हैं वो प्रोवाइड करें। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट पिशावर के बाद, KPK के बाद आपका कोई, अगर आप प्रोविंशियल वाइज देख रहे हैं या सिटी वाइज देख रहे हैं? बिल्कुल, फिलहाल तो हम KPK को ही देख रहे हैं, उसके बाद जो है वो हम इसको हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके हर डिस्ट्रिक्ट में ले जाना चाह रहे हैं जी। तो उसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह सिंध की तरफ आएंगे। अच्छा, वाई इन्फिनिटी में आप CEO हैं, तो कितने डायरेक्टर्स आपके साथ हैं, पार्टनर्स क्या हैं, कौन फंडिंग कर रहा है आप लोगों को? वाई इन्फिनिटी की 3 डायरेक्टर्स हैं जी। ठीक है, और फंडिंग हमें प्लैनेट एंड ग्रुप कर रहा है। अच्छा जी, और इनका आपका हेड ऑफिस कहाँ पर है? हेड ऑफिस हमारा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जी। तो कराची और लाहौर में कुछ डेवलपमेंट आपकी है या नहीं? हाँ, यहाँ पे हमारी टीम्स हैं जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर को देखती हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को देख रही हैं, ठीक है। और कुछ बताइएगा अपनी इस कंपनी के बारे में, ताकि हम मज़ीद जान सकें कि ट्रांसपोर्टेशन के अलावा कुछ ऐसी इनोवेशन की तरफ आप काम कर रहे हैं जहाँ पर आपने IT में गैप देखा। IT में गैप तो इस हवाले से, मतलब अभी ग्रोथ हो रही है, अभी यूनिवर्सिटीज़ ने हर यूनिवर्सिटी में अब IT का डिग्री और कोर्स वगैरह भी आ रहे हैं, अभी ग्रोथ हो रही है इस सेक्टर में जी, लेकिन अभी भी काम करने की बहुत ज़रूरत है, काम करने की। अच्छा, दिस इज़ कॉल्ड स्टार्टअप, आप लोगों ने अभी स्टार्टअप लिया है? बिल्कुल, हमने कल ही अपने व्यूवर्स पे स्टार्टअप पर बात रखी थी जमाल, और हमने बड़ी खूबसूरत कन्वर्सेशन की थी कि जी स्टार्टअप में, अब जैसे आज आपने ज्वाइन किया तो उसको मैं कनेक्ट करूँगा क्योंकि वो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कि स्टार्टअप वाले जो है रिटर्न फ़ौरन तलाश करने की बात करते हैं। तो हमने कहा देखें ग्रोथ देखें कि आपकी आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आपको ग्रोथ की तरफ जाना है, आपको प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना है या आपको रिटर्न चाहिए। अच्छा, कुछ स्टार्टअप को रिटर्न नहीं मिलता शुरू के 3-4 साल में, वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं एंड दे हैव टू मूव बैक। बिल्कुल, उनकी सारा पैशनेट एंटरप्रेन्योरशिप जो उनके पास होती है, जो बिल्डअप हुई होती है, सब डिस्ट्रॉय और डैमेज हो जाती है। व्हाट डू यू से? बिल्कुल ऐसा ही है, रिटर्न इतनी जल्दी मतलब एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। स्टार्टअप लेवल पे जब आप किसी नई चीज़ पे काम करते हैं, एक नई मार्केट आप डेवलप करते हैं, तो मेहनत भी चाहिए होती है और मुस्तकिल मिजाजी बहुत अहम है स्टार्टअप। ठीक है, अच्छा आप लोग जिस डाटा पे काम कर रहे हैं, जैसा जो आप लोगों ने अपना एजेंडा बताया, वो ट्रैवलिंग के हिसाब से बहुत बेहतर है। कराची की मार्केट की अगर हम बात करें, तो कराची की मार्केट में ह्यूज गैप इन ट्रांसपोर्टेशन एज फार एज कंसर्न ऑफ हाईवे, एंड वी हैव टू टॉक अबाउट लाहौर मार्केट, लाहौर मार्केट में मोटरवेज की भी हम बात करेंगे। तो इन दोनों मार्केट्स में आप लोग ने क्या डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं? इनोवेशन की मैं बात लाजमी करता हूँ, क्योंकि ये जो आइडिया है ये भी एक वाला फैक्टर जनरेट नहीं कर रहा कि अमेजिंग, इट्स अ गुड आइडिया, इस पर काम ऑलरेडी लोग, ये सर्विस में आ जाता है actually. बिल्कुल, और इनोवेशन क्या आपने आइडेंटिफाई करनी है अपने बिजनेस में? मैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप देखें इंटरनेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगा है जी, चाहे वो टेलकोस दे रही हैं, चाहे वो अफोर्डेबल तो है जमाल, इतना अफोर्डेबल है, लेकिन अगर आप 100 रुपए में 1 GB या 2 GB लेकिन लिमिट्स है ना, मिल जाता है, लेकिन लिमिट्स बहुत होता है, क्या करना उसमें। हाँ, मूवीज डाउनलोड करने के लिए यू बिल्कुल, लेकिन लिमिट्स होती है ना, 1 GB लिमिट तो है, बिल्कुल सॉफ्टवेयर्स हो गए, और हम जो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं वो अनलिमिटेड है। ठीक, अनलिमिटेड सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं जैसा कि आपने अभी बताया। ठीक है, मैं कराची लाहौर की मार्केट की बात करूंगा, कराची लाहौर की मार्केट पेनिट्रेट करने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें? लाहौर की ट्रांसपोर्ट मार्केट जो है वो डेवलप्ड है बनिस्बत कराची और सिंध की, तो सिंध में प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रांसपोर्ट को पेनिट्रेट करने में, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो प्लानिंग किए गए अब जो कराची या सिंध में आप जाएंगे तो उसके लिए क्या करना है? सिंध में अभी हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम जो यहाँ पे जो कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एक्चुअली ट्रांसपोर्ट और जितनी भी बसेस हैं वो सारी इधर ही बन रही हैं तकरीबन कराची में, तो अभी हम उनके साथ वो इसको एक स्टैंडर्ड बना रहे हैं। अब उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि चाहे वो बस कराची चले, लाहौर चले, किसी भी मुल्क के किसी भी खत्ते में चले, उसमें वाईफाई। सर, आप ट्रांसपोर्टेशन का इतना बड़ा गैप है, ये तो आप सर्विसेज दे रहे हैं, डेट्स अ कोर बिजनेस ऑफ योर्स, इस पर भी आप रहिए, आप उस गैप की बात को क्यों नहीं करते जो आप कराची में देख रहे हैं कि अच्छी बसेस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए? हम अगर बसेस की बात करें, गुज़िश्ता रोज़ हमने ये भी डिस्कस किया था पेरिस में, जब हम ऑटोमोबाइल सेक्टर करें तो मैंने न्यूज़ रखी थी सामने, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उन्होंने देखा कि पॉल्यूशन फ्री
ऑटोज बनाए जाएं, रक्षा का कॉन्सेप्ट आया, उस पर इनोवेशन क्यों नहीं आ रही, उस पर कुछ काम किया जा सके ताकि ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बेहतर हो सके? बिल्कुल, लोग काम कर रहे हैं आईटी के हवाले से, कुछ लोग हैं जिन्होंने इसी मार्केट को, इसी फैक्ट को टारगेट किया हुआ है। Let's see कि क्या जो अभी बसेस देखें, अभी बड़ी अच्छी एग्जांपल हमें, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं ना, तो ये जो राइड सर्विसेज का कॉन्सेप्ट आया है, इसने बड़ा बूम दिखाया। अब गुज़िश्ता एक साल होने को आ रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। अब उसके मद्दे मुकाबले नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एग्जिस्ट कर चुके हैं एक कॉन्सेप्ट के साथ। मैं तो बारह ये बात करता हूँ कि कोई एक इनोवेशन सक्सेसफुल अचीव होती है कि कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं और आने भी चाहिए। ये हेल्दी कॉम्पिटिशन की एक इंडिकेटर है। तो मैं यही तो आपसे बात कर रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन में जहाँ आप कराची लाहौर में गैप देख रहे हैं, लाहौर में फिर भी मामला बहुत बेहतर हुए हैं। जो मेट्रो मंसूबा, ऑरेंज मंसूबा, जो यही एक कारनामा हमारे डिप्लोमेट्स का, इस मौजूदा गवर्नमेंट का रहा, तो ये काफ़ी उन्होंने बेहतर काम किया ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। कराची की मार्केट में तो आपके बहुत ह्यूज गैप नज़र आ रहा है, उस पर कुछ कीजिए। बिल्कुल, उस पर मैं, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे कुछ दोस्त हैं, कुछ स्टार्टअप्स हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन मेन वही है कि गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना पड़ेगा उन लोगों को, अकेले वो भी नहीं चल सकेंगे, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, तो अगर गवर्नमेंट, तो आपको केपीके की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल, केपीके अभी जो केपीआईटी बोर्ड है उनका, जी 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 जी, वो काफी सपोर्ट, फंडिंग भी उनकी है? नहीं, फंडिंग उनकी अपने स्टार्टअप से, वो उनको ग्रांट देते हैं। अच्छा जी, सीड फंड नहीं करते, ग्रांट देते हैं। इन्वेस्टमेंट सब आप लोगों की अपनी है? जी, हमारे, जैसे मैंने पहले बताया, प्लेनेट एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज हमें फंड जी। अच्छा, टेक्निकल अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी के रेस्पेक्ट पे सर्विस जो बना रहे हैं, वो टीम कौन सी है? कराची के, मतलब पाकिस्तान के ही लोग हैं या बाहर? हाँ, पाकिस्तान के ही लोग हैं, वो लाहौर में बैठ के काम करते हैं, कुछ हमारे हेड ऑफिस इस्लामाबाद में काम करते हैं। अच्छा जी, अच्छा, एक लाहौर में भी है और एक इस्लामाबाद में भी? ठीक है, लाहौर में हमने इसलिए भी, वो क्योंकि वो हमारी मार्केट भी है, वहाँ हमारे क्लाइंट्स भी हैं, तो वहाँ पे भी हमारी टीम है, वहाँ पे डेवलपमेंट टीम भी है, सपोर्ट टीम। ग्रोथ क्या देख रहे हैं जमाल? जो आपने अभी बात की कि हम सर्विसेज दे रहे हैं, अगर यहाँ के आवाम ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो कैसे सर्वाइव करेंगे आप इस मार्केट में? मैं ऑल्टरनेटिव ऑप्शन की हरगिज़ बात नहीं करूँगा, मैं रिस्क से मुतालिक बात करूँगा। एज अ बिजनेस मैन, एज अ सी ऑफ द कंपनी, यू आर रिस्पॉन्सिबल हाउ टू टेक केयर ऑफ योर कंपनी, और जो रिस्क और जो अनसर्टेन सिचुएशन जर्नी में यू हैव टू फेस इन द मार्केट, जो दुनिया भर के मार्केट में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, उसके लिए आपने क्या कवर अप किया है? अगर मैं